स्वागत है सर आपका शो पर, फेस्टिव ग्रीटिंग सबसे पहले आपको हमारी टीम की ओर से। और सर ओवरऑल अपनी कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पर जो एक थोड़ा प्रेशर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 67% जो है हम नीचे देख रहे हैं, तो ओवरऑल कहाँ से कुछ प्रेशर ये नंबर्स के फ्रंट पर आपको लग रहा है सर? प्रेशर काफी क्वार्टर से चल रहा है पैकेजिंग फिल्म्स को, जहाँ पे हमने इंडिया में और विदेश में देखा है कि बिकॉज ऑफ यूरोप वॉर एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ट्रेड रेट काफी डिमांड पे इंपैक्ट आया है, तो चलते थोड़ा सा प्राइसेस में डाउनफॉल है। इंडिया में थोड़ा कैपेसिटी एक्सेस है अभी, जिसकी वजह से प्राइसेस पे प्रेशर है पैकेजिंग फिल्म बिजनेस पे। बट इसमें एक एडवांटेज है कि यूफ्लेक्स में सिर्फ पैकेजिंग फिल्म्स नहीं है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजिंग बिजनेस है जिसमें पैकेजिंग फिल्म यूज होता है, असेप्टिक पैकेजिंग बिजनेस है विच इज डिफरेंट। अगर हम देखें तो एक बिजनेस सेगमेंट जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म्स, उसमें थोड़ा सा प्रेशर है, बट जो हमारे दूसरे बिजनेस है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, जिसमें हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 21% का वॉल्यूम ग्रोथ देखा है, पैकेजिंग भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीब 6.5% का ग्रोथ है वॉल्यूम्स में, तो जो पैकेजिंग फिल्म से जो थोड़ा बहुत प्रेशर कर पा रहे हैं दूसरे बिजनेसेस से, और इसीलिए इस तिमाही में एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही के 9.3% से बढ़ के करीब 12% हमने किया है। यही हमने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट गाइडेंस भी दिया था कि आर फर्स्ट टारगेट इज कि 12% का एबिटा मार्जिन अचीव करें। इस क्वार्टर में हुआ है, करंट क्वार्टर में कंसोलिडेट करके और में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको वो क्वार्टर में डिमांड और प्राइसेस दोनों बेटर होंगे तो हम लोग बेटर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाएंगे अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस से भी। बाकी सारे बिजनेसेस आर डूइंग प्रेटी वेल एंड द डाइवर्सिटी हैज एन एडवांटेज एज आई सेड अर्लियर एंड वी आर प्रूविंग दैट। साथ ही सर जैसे कि आपने बताया फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस के ऊपर, तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में मैं जानना चाहूँगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्यूओक्यू बेसिस पर दोनों। तो पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस में हमारा क्यूएनक्यू में अच्छा ग्रोथ है वॉल्यूम्स पे, करीब 6.6% का ग्रोथ है। एक्चुअली प्रोडक्शन ग्रोथ 11.2% है हमारा ऑन ए क्यूएनक्यू बेसिस इन द पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, बट सेल्स ग्रोथ 6.6 है, क्योंकि मटेरियल काफी हम अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं, सो जो थर्ड पार्टी सेल्स हैं वो 6.6% से बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर पे ऑलमोस्ट फ्लैट है हम लोग इन द पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस, हमारा 0.2% का ग्रोथ है। पैकेजिंग बिजनेस में हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 20% का वॉल्यूम ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर पे भी ऑलमोस्ट 7% का हमारा ग्रोथ रेट है इस बिजनेस में, विच इज अगेन वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। और तीसरा हमारा बिजनेस है असेप्टिक पैकेजिंग। उस बिजनेस में क्योंकि ये पीरियड में थोड़ा सा सीजनैलिटी इंपैक्ट आ जाता है, तो पिछले सीजन से इस सीजन में हम लोग मार्जिनली हायर हैं, करीब 0.6% के करीब हम लोग हायर हैं। ओके साथ ही सर अगर हमने आगे जब बात की है ग्रोथ इन वॉल्यूम्स, तो इसके ऊपर हैज दिस कम ऑन द बैक ऑफ सम इम्प्रूवमेंट इन स्प्रेड्स? और दूसरा पूछना चाहेंगे तो करंट बीओपीपी एंड बीओपीटी स्प्रेड्स जो है वो कितना है और कैसे कंपेयर करेंगे विद क्वार्टर वन? मैं आपको गाइडेंस इस तरह से दे पाऊंगा कि ओवरऑल एबिटा मार्जिन के बेस पे स्प्रेड्स, क्योंकि काफी मार्केट्स में हम लोग ऑपरेट करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, तो हर इंडिया में हर मार्केट्स के स्प्रेड्स अलग हैं, बट इंडिया में काफ़ी अभी ओवर कैपेसिटी के चलते थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है और इंडियन कंपनीज रिजॉर्ट कर रही हैं एक्सपोर्ट मार्केट में,
क्योंकि वहाँ प्राइसेस इंडिया में थोड़ा सा बेटर है, बट एज आई सेड, ओवरऑल अर्निंग मार्जिन दिस क्वार्टर हैज इम्प्रूव टू 12%, विच मीन्स दैट ओवरसीज बिजनेस में हमारा लास्ट क्वार्टर में एबिटा था करीब 300 और करोड़, 304 करोड़, और इस क्वार्टर में करीब 406 करोड़ का एबिटा है। तो हम अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो करीब 34% का ग्रोथ रेट एट एन एबिटा लेवल हमने अचीव किया है इन दिस क्वार्टर। एंड ओवरऑल में अगर हम पूरे सालाना में करीब 11.5% का ओवरऑल एबिटा मार्जिन अचीव कर पाए, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट बात करेंगे राजेश सर, जो ओवरसीज़ के ऊपर आपने बताया, तो यूएस और यूरोप मार्केट से डिमांड जो है कैसे इम्प्रूव होती है आप देख रहे हो, और क्या इंडिकेशंस आपको मिलते मिलते देख रहे हो, और स्पेशली डिमांड बॉटम आउट हुई यहाँ से पॉजिटिवली, अगर आप अगर यहाँ से हमारे साथ शेयर कर सके, स्पेशली जब Q1 में हमने देखा था पैकेजिंग फिल्म बिजनेस फेसिंग हेडविंड्स ग्लोबली, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर एक चिंता थी यूएस और यूरोप के मार्केट में, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? यूरोप मार्केट अभी भी स्टैटिक है। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कोई बहुत वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिला है हमें यूरोपियन मार्केट में, बट अमेरिका मार्केट में हमने डबल डिजिट ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स अचीव किया है इस क्वार्टर में, तो वो हार्टनिंग है। और आगे चलते हुए ये हम लोग जो हमारे पहले वॉल्यूम्स थे बिफोर द प्राइसिंग प्रेशर केम एंड बिफोर द फेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, अब फेड की तरफ से भी ये लग रहा है कि अभी इन्फ्लेशन रेट काफी मैनेजेबल आया है, तो आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, उल्टा कम होने की धारणा है, तो उससे कंजम्पशन इंप्रूव होनी चाहिए। और इस क्वार्टर में मोर देन 10% वॉल्यूम ग्रोथ जो यूएस मार्केट अमेरिकास में, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सारी टेरिटरी इंक्लूड करते हैं, उसमें अच्छा ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। यूरोप हैज बीन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, थोड़ा सा ज्यादा है बट विच इज नॉट वर्थ मेंशनिंग, बट अमेरिका हैज बीन ए बिग पॉजिटिव इन दिस क्वार्टर। ओके, और गाइडेंस के ऊपर सर, वैसे तो आपने बताया, बट जैसे कि अभी आप स्टिक रहना चाहेंगे गाइडेंस के साथ, जैसे कंपनी ने पहले बताया था एक्सपेक्टिंग डबल डिजिट ग्रोथ इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस और 15% वॉल्यूम ग्रोथ इन पैकेजिंग फिल्म बिजनेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024, तो इसके ऊपर कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप? सो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इस जी क्वार्टर करीब 21% ग्रोथ रेट है ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और 7% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस है। तो अगर हम ये मोमेंटम अगले 6 महीने में और रख लेंगे, तो ओवरऑल जो नंबर्स हमने पहले आपको शेयर किए थे, वील बी एबल टू अचीव दोज नंबर्स। एंड असेप्टिक पैकेजिंग में भी हम लोग बिल्कुल जैसे प्लान है वैसे चल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा था, इस क्वार्टर में सीजनैलिटी एस्पेक्ट आ जाता है, बट जनवरी से जब नया सीजन शुरू होगा तो उसमें हम वॉल्यूम ग्रोथ देख पाएंगे। बट हमारा जो नया फैसिलिटी है वो जब तक आएगा वो अगले साल के एंड तक, अब सीजन एंड तक कहीं पे आने की उम्मीद है, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ग्रोथ उस बिजनेस में आएगा, क्योंकि वहां पे हम सीजन में ऑलमोस्ट 100%, मोर देन 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट सीजन में हम लोग उसमें भी सब्सटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ देख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम 7 बिलियन पैक्स कैपेसिटी से 12 बिलियन पैक्स कैपेसिटी कमीशन कर लेंगे, वी सी अ ह्यूज वॉल्यूम ग्रोथ कमिंग फ्रॉम दैट बिजनेस ऑल्सो, बोथ फ्रॉम द इंडिया मार्केट एज वेल एज फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट्स। जी, नेक्स्ट न्यू फैसिलिटी के ऊपर ही सर बात करेंगे, PET चिप रेसिन फैसिलिटी जो कंपनी एक सेटअप कर रही है इन इंडिया एंड इजिप्ट, तो कैपेसिटी वहाँ से क्या रहेगी और कब तक कमीशन होता देखेंगे? इंडिया प्लांट हम लोग कमीशन कर लेंगे करीब एंड ऑफ मार्च तक या अर्ली अप्रैल में, और करीब 1,40,000 टन का प्रोडक्शन हम लोग इससे इंडिया प्लांट से करेंगे, जो कि हमारे
हमारे पोलिएस्टर फिल्म्स बिजनेस को कैटर करेगा, और उसके अलावा हम वहाँ पे बॉटल ग्रेड चिप्स भी बनाएंगे जिसकी अच्छी मार्केट है। तो और जो इजिप्ट में हम लोग प्लांट लगा रहे हैं वो करीब इस प्लांट के कमीशन होने के करीब 3 से 6 महीने बाद वो प्लांट शुरू हो जाएगा उसके बाद। जी, और इसी प्लांट के ऊपर, फैसिलिटी के ऊपर सर, व्हाट इज़ द कैपेक्स हियर, साथ ही जो है अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, तो मार्जिन्स के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा? कैपेक्स इंडिया में करीब 590 करोड़ रुपए का कैपेक्स हमने किया है इस प्लांट पे। यूरोप इजिप्ट में, क्योंकि हम लोग इसमें बॉटल ग्रेड चिप्स नहीं बना रहे हैं, तो वहां पे करीब $71 मिलियन का हमारा प्लान कैपेक्स है ऑन द फैक्ट्री रेजिंग फैसिलिटी। मार्जिन्स, ये क्योंकि ये इंटरनल कंजम्पशन रहेगा मोस्टली हमारा इन आर पैकेजिंग, पॉलिएस्टर पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बट हम लोग क्योंकि अपना खुद का रॉ मटेरियल यूज कर पाएंगे जिससे क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलेगी हमें, और जो मार्जिन है अभी जिनसे हम सप्लायर मार्जिन जो आज हम पे करते हैं उससे करीब हमें 1.5% के करीब का पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलने की एक्सपेक्टेशन है। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल गाइडेंस आपका ऑन रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स के ऊपर, क्या अगर आप डिटेल्स शेयर कर सकें? मार्जिन्स मैंने जैसे पहले बताया आपको, फॉर द ईयर एज ए होल हम लोग करीब 11.5% एबिटा मार्जिन अचीव करने का प्लान है। Q1 में 9.3 था, Q2 में 12% है। ओवरऑल H1 को अगर हम देखें तो करीब 10.6% है। अगर वो फॉर द ईयर एज ए होल अगर हम करीब 11.5% मार्जिन अचीव कर पाए, डिपेंडिंग ऑन Q4 जो है विच वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ग्रोथ एंड द प्राइसिंग पावर विल कम बैक, उसको बेस करते हुए अगर हम पूरे सालाना बेसिस पे 11.5% मार्जिन इम्प्रूव कर पाए, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर रहेंगे पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस में। पैकेजिंग में बेटर रहेंगे फॉर श्योर, असेप्टिक पैकेजिंग में बेटर रहेंगे। ओवरऑल बेसिस पे अगर रेवेन्यू में थोड़ा सा डीग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड द रॉ मटेरियल प्राइसिंग इश्यूज, क्योंकि प्राइसेस रॉ मटेरियल के भी कम हो गए हैं, फिनिश गुड्स के भी कम हो गए हैं। अभी पहले क्वार्टर में अगर हम देखें तो टोटल हमारा करीब 15.5% पिछले साल से प्राइसिंग कम था। हम लोग करीब अगर ओ फॉर द ईयर एज ए होल साढ़े करीब 10-10.5% के करीब प्राइसिंग डाउन हो जाए हमारा पिछले साल से, दैट वुड बी आइडियल अचीवमेंट। और उसके चलते करीब ओवरऑल 12.5% लास्ट ईयर हमने करीब ऑलमोस्ट 14,800 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू अचीव किया था, और करीब 10% डाउन इस साल में विद 11.5% एबिटा मार्जिन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। जी, राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।